आज हम घर के बेसिक सामानों से बिना किसी तामझाम जो हमारे घर पर डलिया रहती ना उससे बहुत ही यूनिक और मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि हर किसी को खाना पसंद होता है भाई, खाए क्यों ना, होती ही इतनी टेस्टी है। डेफिनेटली मार्केट से लेके तो कई बार आपने खाया होगा, तो चलिए इसे आज घर पे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई गणेश जी के दिन चल रहे हैं, ऐसे में हमें रोज कुछ ना कुछ भोग प्रसाद बनाना बनता है। तो भाई आज मैं ये रेसिपी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर लिया जाए। मैंने पहले भी इस तरीके से एक रेसिपी शेयर की है जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई है। चलिए इसे तो हम छोड़ते हैं, कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, हमने एक कटोरी सेट कर ली, मेजरमेंट सेट करना बहुत जरूरी है, ऊपर लेवल करके हमें लेना है। हमें इस पर लेना है 1.5 कटोरी के करीब चीनी, और इसी के साथ अब हम इस पर लेंगे पानी। तो पानी आपको पहले 1 कटोरी लेना है, 1 कटोरी के बाद ऐसा मान के चलिएगा 3 से 4 चम्मच के करीब, 1.25 कटोरी के करीब पानी लिया है। सारी चीजों को एक बार हम अच्छे से मिला देते हैं, जो गैस का फ्लेम है मैंने अभी हाई रखा है। थोड़ा सा फ्लेवर इनहेंस हो तो मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं और इसे हम फिर से चला देते हैं। केसर अपना कलर छोड़ने लगा है और इसे अभी हमें चलाना बंद नहीं करना है, जिससे चीनी हमारी तली पर ना लगे, क्योंकि गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। देखिए अब इस पर अच्छे से उबाल आ गया है, केसर का कलर भी आ गया है। थोड़ा सा इस पर फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने 2 इलायची ली है, तोड़ के हम ऐसे ही डाल देते हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। कोई गाढ़ी सी चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस चिपचिपासा हो जाए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो ऐसा मान के चलिएगा हाई फ्लेम पर जब इसको पकाएंगे तो टोटल 5 मिनट में ये हमारा रेडी हो जाता है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, बस चिपचिपासा होना चाहिए, नीचे उतार दिए। चलिए आगे की तैयारी देख लेते हैं, जिसके लिए अब हमें जरूरत होगी बेसन की। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कोई कप कटोरी सेट कर लीजिए, जो कटोरी मैंने ली थी उसी से वापस से मैंने 1 कटोरी और ले ली है। जो बेसन लेना है थोड़ा दबा दबा के लेना है, हल्का बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1.5 कटोरी मैंने चीनी ली थी, 1.5 कटोरी मैंने बेसन लिया है। तो चलिए जब तक हमने गैस को ऑन करके एक हैवी बॉटम की कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है, अब हम इस पर डालेंगे घी। आप चाहें तो ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं देसी घी का यूज करते हैं, उसमें से जब बप्पा का भोग लगाना हो तो भाई फिर क्या कहें। कढ़ाई पर घी डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए हम छोड़ देते हैं। इधर मैंने एक बाउल ले लिया है, इस पर हम लेंगे 1.5 कटोरी बेसन। बेसन मैंने एक परात पर छान लिया था। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बेसन जो है ना आपका फाइन होना चाहिए, यदि फाइन नहीं है तो आप थोड़ा सा इस पर मिक्सी पर चला लीजिए। उसी कटोरी से हम इस पर लेंगे पानी। तो इस पर कोई खास मेजरमेंट नहीं होता है, यदि आप 1.5 कटोरी बेसन का यूज कर रहे हैं तो 1 कटोरी पानी एग्जैक्ट चला जाएगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इस पर पानी डालेंगे। यदि आप एक साथ पानी डालते हैं तो वो लम्स पड़ जाते हैं, जो कि आगे आपको दिक्कत देंगे। अभी हमने पूरा 1 कटोरी पानी नहीं डाला है, बस इस तरीके का जब गाढ़ा होता है इसको अच्छे से फेंट लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। और देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आ गया है, मैंने इसको फेंट लिया है, तब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इस पर और डालेंगे। इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंट लेते हैं, ये काफी हल्का हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने फेंट लिया है, लेकिन ये जो पानी थोड़ा सा बचा है ना वो भी मैंने इस पर डाल दिया है। पूरा 1 कटोरी 1.5 कटोरी बेसन में पानी चला गया और देखिए किस कंसिस्टेंसी का योग हो गया है, अच्छे से फिट गया है। कोई सोडा वगैरह आपको इस पर डालने की जरूरत नहीं है जब हम इसको फेंट लेते हैं। और देखिए ये जो बैटर है ना हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, इससे ज्यादा पतला आपको बिल्कुल नहीं करना। इधर मैंने एक छोटा सा बाउल और ले लिया है और इस पे हम थोड़ा सा बैटर निकाल लेते हैं। इस पर हम डालेंगे रेड फूड कलर, थोड़ा सा रेड रेड भी अच्छा लगता है, और अच्छे से मिला देते हैं। ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसको एक कलर से भी बना सकते हैं। ये हमारा रेड कलर भी रेडी हो गया है। तो चलिए इधर हम अपने घी को चेक कर लेते हैं, देखिए ये भी हमारा गर्म हो गया, हाई फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। हमारे सभी घर में इस तरीके की डलिया होती है, तो आज हम इसका यूज करेंगे। एक गिलास पर मैंने बैटर को भर लिया है, गैस का फ्लेम हाई है, देखिए हमें थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया गोल मटोल इससे बूंदी निकलने लगी है, बिना किसी छारे के, बिना किसी
इसी तामझाम आप घर की बास्केट से बहुत ही बढ़िया गोल मटोल बूंदी बना पाएंगे। जितनी एक बार कढ़ाई में आ गई उसको मैंने डाल दिया है, गैस का फ्लेम हाई ही रखा है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना होता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। झारे पर मैंने निकाल दिया, परफेक्ट गोल मटोल बूंदी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इधर जो चाशनी है ना वो हमारी हल्की गुनगुनी है, इस पर हम डाल देते हैं। फटाफट से हम इसको नीचे की तरफ दबा देते हैं जिससे अच्छे से जूसी हो जाए। बास्केट को हमने बैग से पोंछ लिया और फिर से हम इस पर मिक्सचर डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, एक साथ बहुत सारा मिक्सचर आपको नहीं डालना है वरना साइड से निकलने लगेगा। देखिए इस तरीके से मैं इसको डाल रही हूँ। जब ये बैटर हल्का हो जा रहा है तो मैंने फिर से डाला, एक बार जितना कढ़ाई पे आया उतना मैंने इसको डाल लिया। देखिए सेकंड बैच भी मेरा बन गया है। इसी तरीके से हमें सारी अपनी बूंदी बना लेना है। देखिए येलो कलर की मेरी सारी बन गई है और इसको अंदर की तरफ मैंने प्रेस कर दिया है। जो रेड कलर की ना उसको मैं बना के दिखाती हूँ। बास्केट को मैंने साफ कर लिया, धोया नहीं है, इस तरीके से मैंने डाला है। गैस का फ्लेम हाई है और आप देख पा रहे हैं कितनी गोल मटोल हमारी बूंदी बन रही है। इसको मैंने एक प्लेट पर रख दिया, इसको भी मैं फटाफट से सेक लेती हूँ। बहुत ही फटाफट से ये सिक जाती है, सब सिक जाए तो मैंने फिर से इसको झारे पर निकाला है। एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना सारा छड़ जाता है और वापस से हम इसको उसी पर डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं बिना किसी झारे की कितनी गोल गोल ये हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। येलो के साथ रेड कितना अच्छा लगता है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। भाई बच्चे आ गए, उनका डिमांड हुआ कि भाई थोड़ा सा हमें और ग्रीन चाहिए, तो जो मेरा रेड कलर बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन डाल दिया था, थोड़ा मूंगिया कलर हो गया, लेकिन क्या भाई बच्चों का तो मन रह गया। फिर से मैंने बास्केट को साफ कर लिया है और मैंने इस पे डाल दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं यदि आपकी कढ़ाई में घी कम है तो एकदम गोल नहीं बनती, फिर भी परफेक्ट बनी है। सारी बूंदी को मैंने इसी तरीके से बना लिया और आप देख पा रहे हैं कि डेढ़ कटोरी बेसन में ही सारी ये बूंदी हमारी बन गई है। अब आपको चाशनी थोड़ी ज्यादा लग रही होगी लेकिन इस तरीके से हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिला देते हैं। पहले तो इसके कलर देख के भाई दिल खुश हो जाता है और मुंह में पानी आ जाता है। देखिए अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है, लेकिन इसको थोड़ा जूसी होने के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करके एक से डेढ़ घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, आप आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं। जब तक मैंने घर के और काम निपटा लिया और ये देखिए दो घंटे बाद इतनी जूसी एकदम जबरदस्त ये बूंदी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चाशनी नहीं है, बहुत ज्यादा मीठी मीठी नहीं है, जैसा एकदम परफेक्ट मार्केट पर मिलती ना वैसे ही परफेक्ट हमारी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो गई है। ये थोड़ा जूस पीने के बाद थोड़ा और साइज में बढ़ जाती है, बहुत ही जूसी एकदम सॉफ्ट जबरदस्त ये हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। सबसे पहले तो गणपति बप्पा के भोग के लिए हम अपनी प्लेट निकाल लेते हैं। देखिए कितनी एकदम शानदार कलरफुल घर पे ये हमारी हेल्दी बिना किसी तामझाम के बूंदी बनकर तैयार हो गई। मैंने थोड़ा सा पिस्ता और इसको केसर के साथ डेकोरेट किया है। भाई देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो आप घर पे बनाइए, गारंटी है। यूट्यूब में पहली बार आपने ये तरीका देखा होगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching video.